अगर मरा हुआ है तो ऑर्गन काम करेगा पूरी तरह से? बस इतना ही बात है। हमारा मकसद क्या है कि हमारा जितना भी सेल्स मरते हैं, हर एक सेल को एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड होता है, हर एक सेल को। हर एक सेल मरता है अपने पीरियड में, मरने के बाद ये निकल जाना जरूरी होता है। वो नहीं निकल रहे, वो कहीं ना कहीं दब के बैठ जाते हैं, उसको मैग्नेटिक पावर होता है। हमारे बॉडी, हार्ट और ब्रेन काम करने में इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है कि नहीं? क्या आप प्लग में जाकर स्विच ऑन करते हैं क्या? फिर हमारी बॉडी, ब्रेन काम करने के लिए 12.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। सेम वे मैग्नेटिक पावर भी है। ये सब हम धरती से लेते हैं, बट धरती में तो पैर ही नहीं लगाते कोई, तो फिर कहां से मैग्नेटिक पावर होगा? तो ये सारा प्रोसीजर नेचुरल है, और हमारे को कभी भी कोई भी ऑर्गन फेल हो गया उसको काट कर निकालना नहीं होता है, मगर उसको रिपेयर करना होता है। कैसे? दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के लिए जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है, वो राजीव सर ने अपनी चरक संहिता में से, चरक संहिता तो सभी जानते हैं, 5000 साल पहले चरक मुनि ने लिखे रखा था, उसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं किया, इसलिए हमारा आयुर्वेद पीछे चला गया। ये समझ लीजिएगा, वी आर 100 टाइम्स मोर सुपीरियर देन एलोपैथी, मगर उसमें रिसर्च किसी ने नहीं किया। किसी भी वेद जी को एक खुराक मिल गया या एक कॉम्बिनेशन मिल गया, उसी से वो अपना पूरा खानदान वेद बनकर चला देते हैं, बट सर के पास जब आए तो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करते 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 नैनो फिल्टर के थ्रू पेस्टिसाइड निकाला। जो भी हर्ब्स में पेस्टिसाइड होता है उसको